वोटिंग खत्म हो चुकी है, सिर्फ नेताओं का इंतजार है कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसको लोकतंत्र की चाबी मिलेगी। मालिक यानी कि जनता नकार देगी, ये जानने के लिए बीपी गंगा ने अमेठी में लोगों से भी बातचीत की है और उनकी राय जाननी चाहिए कि इस बार वो क्या देखते हैं। एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं, इंतजार 23 मई का है, लेकिन क्या कहती है यहाँ की जनता, ये आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी हार रहे हैं और स्मृति ईरानी जीत रही हैं अधिकतम वोटों से। ऐसा क्या है कि राहुल गांधी हार रहे हैं आपको दिख रहा है? आज भी देख लिया अमेठी में या जहाँ कहीं भी कोई काम नहीं किया, अपना बजट नहीं खर्च कर पाए, तो इसलिए इनका हारना समझता है। यहाँ पे आप लोग कौन लग रहा है, कौन जीत जाएगा? अब यहाँ पे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस को देते हैं, ज्यादा विश्वास है कोई बात नहीं। हाँ। है हाँ। घाटे की लड़ाई मानते हैं कि आसानी जीत जाएंगे? राहुल के पक्ष में माहौल जो है वो जैसे मुस्लिम वर्ग है, यादव वर्ग है। ये बताइए कि अमेठी कौन जीत रहा है आपके निगाह में? हमारे निगाह में कांग्रेस जीत जाएगी। आसानी जीत जाएगी, कांटे की लड़ाई है? नहीं नहीं, आसानी जीत जाएगी, आसानी जीत जाएगी। पट्टा दिया है कांग्रेस ने, दिया है घर के लिए जमीन कांग्रेस ने दिया है, भाजपा ने क्या दिया हमको, गरीबों को क्या दिया बताइए। अमेठी से कौन जीत रहा है, आप क्या क्या कर रहा है? अमेठी से राहुल गांधी जीत रहे हैं। क्या है इसके पीछे लॉजिक? इसके पीछे कारण ये है कि जहां हिंदू मतदाता हैं वहां पे दोनों बराबर लड़े हैं, चाहे वो कोई 19 लड़ा हो चाहे कोई 20 लड़ा हो, लेकिन जो हमारे यहां के मुस्लिम मतदाता हैं उनका वोटों का ध्रुवीकरण हो गया है और सारे वोट कांग्रेस को पड़ गए हैं, इसलिए इस बार बिल्कुल आश्वस्त हैं कि राहुल गांधी 2 लाख वोटों से जीत जाएंगे। अमेठी राहुल गांधी जीत रहे हैं, 2014 से ज़्यादा आपकी वोट पाए हैं और उन्हीं के पिताजी द्वारा सारा विकास अमेठी में हुआ है, हमारे यहाँ तमाम कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ सब लगी हैं। स्मृति ईरानी जो पहले से यहाँ लगा था उसको भी लेकर यहाँ चली गई। कांग्रेस जीत रही है और भाजपा और कांग्रेस में लड़ाई टक्कर की है, और जहाँ तक पिछली बार 2014 का चुनाव जो हुआ था इस बार जो हो रहा है उसमें जीत और हार का अंतर जो 1,07,000 के आसपास था राहुल जी और स्मृति के बीच में लोकसभा में चुनाव हुआ था पिछली बार, इस बार भी कांटे की लड़ाई है, वोट प्रतिशत तो उस पर असर पड़ेगा, लेकिन जो है कांग्रेस जीत यहाँ की निकाली यही सही है। और उसके बाद रायबरेली और अमेठी यही 2 सीट है और दोनों में कांग्रेस ही जीत निकाली। ब्रजेश जी ये बताइए अमेठी कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी जीत रहा है। राहुल गांधी इस बार क्या कांटे की लड़ाई है, क्या जो आपको कांटे की लड़ाई ये दोनों बराबर की है। हाँ। जीतेगी कौन? और स्मृति ईरानी। राहुल गांधी हार जाएंगे? हार जाएंगे। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि राहुल गांधी ने यहाँ अमेठी के लिए जो बजट हर चीज किया है पूरा नहीं, हर जमा नहीं कर पाया है, ये हार रहा है, स्मृति ईरानी जीत रही है। अमेठी कौन जीत रहा है आपकी निगाह से? अमेठी हमारे नज़र में स्मृति ईरानी जीत रही हैं क्योंकि भारी मतों से। तो राहुल गांधी क्यों हार जा रहा है, ऐसा क्या कारण है? राहुल गांधी ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया है। और देश जी ये बताइए अमेठी कौन जीत रहा है आपके इसमें निगाह से? राहुल जीतेंगे। ऐसा क्या है कि राहुल जीतेंगे, जबकि कांटे की लड़ाई मानी जा रही है इस बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वही अगली बार से भी कम हो जाएगा। 1,07,000 वोट से जीते, 3 बार हो सकता है। कितने वोट से जीतेंगे लगभग? नहीं लाख में रहेंगे तो 1,000 में रहेंगे। दादा ये बताइए कि अमेठी कौन जीत रहा है आपके सर्वे में, आपके सर्वे के हिसाब से? तो अभी अमेठी कांग्रेस से जा रही है, क्या है क्या नहीं है उसको ऊपर आ रहे कांग्रेस जीत रही है। मतलब कांटे की लड़ाई है, ऐसी कांटे की लड़ाई है, आगे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो ऊपर वाला बता सकता है, लेकिन थोड़े अंतराल से ही जीत।